ओके तो कल हमने किंगडम एनिमेलिया स्टार्ट किया था, ठीक है। तो जनरल कैरेक्टर्स तो हमने देख ही लिए, कौन कौन से कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ओके। तो चलिए किंगडम एनिमेलिया के जनरल कैरेक्टर्स बताइए। फर्स्ट मल्टीसेल्युलर, यूकैरियोट्स, करेक्ट, सेल वॉल एब्सेंट, करेक्ट, लोकोमोशन, सेंसिटिविटी, करेक्ट, मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोस्टली। कुछ कुछ एनिमल्स असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रा, प्लानेरिया, ओके। बाकी सभी एनिमल्स मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो कंपल्सरी हिटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अलग अलग, मे बी हर्बीओरस, मे बी कार्नियोरस, मे बी ओमनियोरस, मे बी सैंगवियोरस टाइप, पैरासाइटिक, ओके, अलग अलग टाइप्स के, सेप्रोफाइटिक। तो ये हमने कल देख लिए थे और मेन कैटेरिया से हमने स्टार्ट किए थे, स्पेशल क्राइटेरिया, यस, कौन कौन से हुए हैं स्पेशल कैरेक्टर। फर्स्ट हुआ था हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कंप्लीट किया था हमने कल, बॉडी प्लान भी हमारा कंप्लीट हुआ है, बॉडी कैविटी भी कंप्लीट हुई है, ओके। थ्री पॉइंट्स हमने कंप्लीट किए हैं, क्राइटेरियाज फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान एंड बॉडी कैविटी, ओके। ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हमने कल देखे, टिश्यू लेवल, पहले सेल एग्रीगेट मीन सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट। बॉडी प्लान में हमने ब्लिंड सैक बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ओके। ब्लिंड सैक का मतलब वन एंड क्लोज्ड, करेक्ट, मतलब एक ही सिंगल ओपनिंग है, ठीक है। बॉडी कैविटी में हमने थ्री टाइप्स ऑफ कैविटीज लर्न किए थे, फर्स्ट एंड सिलोमेट, यहाँ बैठिए आप तीनों, असिलोमेट, सिडोसिलोमेट एंड सिलोमेट, ओके। व्हाट इज मीन बाय असिलोमेट, व्हाट इज मीन बाय अस, करेक्ट, बॉडी कैविटी इज कंप्लीटली एब्सेंट इन विच फाइलम, प्लैटीहेल्मिंथीस, करेक्ट। सिडोसिलोमेट का मतलब फॉल्स बॉडी कैविटी, मतलब पैचेस प्रेजेंट है उसमें, किसके, मेसोडर्मल, करेक्ट। ये डायग्राम जो एनसीईआरटी में फोकस किए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेसोडर्मल पैचेस से प्रेजेंट, सिडोसिलोमेट मतलब फॉल्स बॉडी कैविटी किसमें प्रेजेंट है, एस्किहेल्मिंथीस में, करेक्ट। और पूरा का पूरा सिलोमेट मतलब कैविटी प्रेजेंट इन बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में, जो भी कैविटी प्रेजेंट है इट इज कॉल्ड एज सिलोमेट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यू सिलोमेट भी। आप यू का मतलब ट्रू बॉडी कैविटी और सिडो का मतलब है फॉल्स बॉडी कैविटी। यू सिलोमेट को हमने अगेन दो टाइप्स में डिवाइड किया था, सिजोसिलोमेट एंड, करेक्ट। ये नीट के लिए क्वेश्चन इसके पहले फोकस हुआ है, व्हाट इज मीन बाय सिजोसिलोमेट एंड एंटीरोसिलोमेट। सिजोसिलोमेट मतलब कैविटी प्रेजेंट है बट सॉलिड बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज अ सिजोसिलोमेट। कहाँ से कहाँ तक, कौन कौन से फाइलम में प्रेजेंट है, करेक्ट, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा एंड मोल्यूस्का। क्योंकि एस्किहेल्मिंथीस के एनेलिडा के ऊपर एस्किहेल्मिंथीस है, उसमें कौन सी बॉडी कैविटी है, सिडोसिलोमेट, एंड प्लैटीहेल्मिंथीस में असिलोमेट, ओके। और एनेलिडा के आगे सभी फाइलम्स में सिलोमेट बॉडी कैविटी है, एनेलिडा एंड ऑनवर्ड सभी में, बट एनेलिडा, ऑर्थोपोडा एंड मोल्यूस्का में सिडोसिलोमेट एंड रिमेनिंग एंटीरोसिलोमेट, ओके। एंटीरोसिलोमेट मतलब इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, रिमेनिंग जो भी है, ठीक है, उसमें एंटीरोसिलोमेट बॉडी कैविटी, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिलोमेट और असिलोमेट एनिमल्स। तो ये हमने कल इन डिटेल देख लिए थे, तो ये हमारे पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया कौन सा है, क्राइटेरिया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट फोर्थ सिमेट्री, ओके। तो सिमेट्री ये पॉइंट हमने ऑलरेडी प्लांट्स में भी देखा था, सिमेट्री मतलब एनिमल्स को हम किस तरह के प्लान में, किस दो पार्ट्स में अगर हमें एनिमल्स को डिवाइड करना है तो किस किस एंगल से हम उसे
कट करेंगे और डिवाइड करेंगे. ओके, तो सिमेट्री इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. सिमेट्री को हम थ्री टाइप्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट असिमेट्रिकल, बायलैटरल एंड रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री. असिमेट्रिकल मतलब हम उस एनिमल को किसी भी एंगल से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं. बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय एनी प्लेन. डेफिनेशन क्या हुई हमारी, एनिमल कांट डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय एनी प्लेन और बाय एनी एंगल इज कॉल्ड एज असिमेट्रिकल. असिमेट्री मतलब आप समझ ही सकते हो, नहीं हम उसके दो इक्वल पार्ट्स में डिवीजन नहीं कर पा रहे हैं एनी प्लेन. ओके, यहां बेस्ट एग्जांपल स्नेल. बेस्ट एग्जांपल स्नेल, पाइला, दीज आर द एग्जांपल ऑफ पाइला. इज एन एग्जांपल ऑफ असिमेट्रिकल एनिमल. ठीक है, पाइला किस टाइप के फाइलम में आता है? पाइला इज अ सॉफ्ट बॉडीड एनिमल. करेक्ट, मोलस्का. करेक्ट, बायलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या है? बाय मतलब दो इक्वल वॉल्व में, वॉल्व मतलब पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं बाय ओनली वन प्लेन. करेक्ट, एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू, एनिमल्स डिवाइडेड इनटू, डिवाइड इनटू टू इक्वल वॉल्व और पार्ट भी आप इसे बोल सकते हो वॉल्व बाय ओनली वन प्लेन. टू इक्वल पार्ट्स में एक ही एंगल से हम उसे कट कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज बायलैटरल सिमेट्री. एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स बायलैटरल सिमेट्री दिखाते हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमन ही नहीं, फ्रॉग बायलैटरल सिमेट्री का एग्जांपल है. कैट, डॉग, हॉर्स, कैटल, गोट, सभी, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स शोज बायलैटरल सिमेट्री. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स शोज bilateral symmetry. ठीक है, radial symmetry definition क्या लिख सकते हैं हम? Animals divided into, correct, by any angle. Animals divided into two equal valve by any angle or any plane is called as radial symmetry. Best example, correct, starfish. कौन से phylum में आता है? कौन से phylum में आता है? इकाइनोडर्मेटा. स्टारफिश, इकाइनोडर्मेटा. स्टारफिश को मोस्टली फाइव एंगल, फाइव साइड्स होते हैं, लेकिन तभी हम उसके 2.5 इस एंगल में इसे हम इस दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. यस, तो स्टारफिश इज एन एग्जांपल ऑफ रेडियल सिमेट्री. ओके, निडारियन आल्सो, निडारिया मतलब टेनिडिया इज एन आल्सो रेडियल एग्जांपल ऑफ रेडियल सिमेट्री. टेनिडिया. ये भी रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल है. ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री, असिमेट्रिकल एंड रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स. ठीक है, समझ में आए? ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्राइटेरिया है एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए. तो कुछ एनिमल्स हम असिमेट्रिकल में डिवाइड करेंगे. असिमेट्रिकल में बहुत ही कम एनिमल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स बायलैटरल सिमेट्री दिखा रहे हैं, कुछ थोड़े एनिमल्स रेडियल सिमेट्री दिखा रहे हैं. ठीक है,
तो ये हम ईच फाइलम में देख लेंगे कौन सा एनिमल कौन से टाइप की सिमेट्री दिखा रहा है, ठीक है। स्टॉप।